बांदा में आज उत्तर प्रदेश के मंत्री कृषि रक्षा एवं कृषि अनुसंधान विभाग उत्तर प्रदेश सूर्य प्रताप शाही ने रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज बांद में आयोजित झांसी कानपुर एवं चित्रकूट धाम मंडल बांदा में संयुक्त मंडलीय रवि उत्पादकता गोष्ठी 2024 का फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। बांदा रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में आयोजित संयुक्त रवि गोष्ठी में बड़ी संख्या में उपस्थित किसानों को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि किसान अपनी फसलों का उत्पादन बढ़ाए और अपने खेतों को खाली ना छोड़े। बुंदेलखंड के 100% किसानों को सिंचाई हेतु सोलर पंप की सुविधा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा किसानों की दशा सुधारने के लिए कृत संकल्पित है। कृषि मंत्री ने कहा कि बांदा बुंदेलखंड में मोटे अनाज का अधिक उत्पादन हो डालने की जरूरत है। गोबर और गोमूत्र के आधार पर खेती करने की जरूरत है, जिससे कि स्वास्थ्य सुधरे। बीमार आदमी का बार बार हम जांच कराएंगे और स्वास्थ्य को ठीक करने का उपाय नहीं करेंगे तो जांच से उसका निष्कर्ष नहीं निकलने वाला है। उसका उपाय यही है कि लोग हैंचा लगाएं, पटसन लगाएं, मूंग लगाएं, खेतों में उसको पलटे और पलट करके अपने खेत की ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाएं, गोबर और गोमूत्र खेतों के भीतर डालें, जिससे कि उपज उनकी अच्छी हो सके। माननीय मंत्री जी, आपने भी खाद की बात की। किसान चूंकि बहुत गरीब होता है, 3 से 5 रुपए तक उनसे उसके जो रेट होता है उससे ज़्यादा लिया जाता है। देखिए, मैंने बताया अभी कि 450 रुपए मिलता था जी, और हम तो 270 रुपए तक उपलब्ध करा देते हैं। नहीं, वो आपके जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो उस पर ज़्यादा ले रहे हैं। सर, ये क्या दूसरा देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।